वेलकम टू कोडरेक संकेत एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका हाइबरनेट फ्रेमवर्क विद जेपीए की समेजिंग से कोर्स में। और लास्ट वीडियो तक हमने ये देख रखा था कि गेट और लोड मेथड का जो डिफरेंस है वो क्या होता है और लोड मेथड हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, प्रॉक्सी लोडिंग कैसे करवाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखा। एंड अब बारी है हमारा एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है, हाइबरनेट यूटिल। आप कैसे हाइबरनेट में यूटिलिटी क्लास बना करके काम करेंगे उसके बारे में आज हमें सीखना है, उसको हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एंड उसके लिए सबसे पहले हमारा यहाँ मैं आ जाता हूँ और हमने खोल रखा है ऑलरेडी क्लिप्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं हाइबरनेट यूटिल। हमें क्या सीखना है आज, हाइबरनेट यूटिल। देखिए यूटिल का मतलब होता है यूटिलिटी क्लास। यूटिल का क्या मतलब होता है, यूटिलिटी क्लास। हाइबरनेट यूटिल, यूटिल का मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी क्लास। तो यूटिलिटी का नाम मतलब होता है हेल्पर, जो हेल्प करे। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, हेल्पर जो हेल्प करे। तो चलिए समझते हैं कि हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास क्यों और कैसे जरूरी है और हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने हाइबरनेट फ्रेमवर्क में, जब हम कोड कर रहे होंगे, जब हम हाइबरनेट के साथ कभी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले हाइबरनेट यूटिल क्या एक क्लास बनाएंगे, क्या है कि हम हाइबरनेट में जो हमारा कोड है उसमें हम एक क्लास बनाएंगे। तो हाइबरनेट यूटिल तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ, एक क्लास हो गया। ओके, हाइबरनेट यूटिल क्या हो गया, हमारा एक क्लास हो गया। तो यूटिलिटी, सबसे पहले हम यूटिलिटी का मतलब ही जानेंगे कि यूटिलिटी का मतलब हुआ क्या, हेल्पर, हेल्प करने वाला क्लास। ठीक है, तो यूटिलिटी क्लासेस आर हेल्पर क्लासेस, यूटिलिटी क्लासेस आर हेल्पर क्लासेस। यह ध्यान रखिए, यूटिलिटी क्लासेज आर हेल्पर क्लासेज डैट आर रिक्वायर्ड इन मल्टीपल पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम और सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक क्लास बना दिया और उसी क्लास का प्रयोग करके आप बाद में उस क्लास को रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे दूसरे जगह पर, दूसरे दूसरे कॉम्पोनेंट में, सेम प्रोजेक्ट में, तो उसको बोलेंगे यूटिलिटी क्लास। ठीक है, उसी को नाम बोल रहे हैं क्या, हेल्पर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूटिलिटी क्लासेज आर हेल्पर क्लासेज डाटा रिक्वायर्ड इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग बॉयलर प्लेट कोड। क्या होता है कि ये यूटिलिटी क्लास जो होता है एक ऐसा हेल्पर क्लास होता है जो सेम प्रोग्राम में, सेम प्रोजेक्ट में मल्टीपल जगह पर उसका प्रयोग होता है। और उससे होता क्या है कि वो बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करता है। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब होता है जो कॉमन रिपीटिंग कोड है, एक ही कोड को अगर बार बार आपको रिपीट करना पड़ रहा है तो डैट इज़ नोन एज बॉयलर प्लेट कोड। और वो बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े इसीलिए हम लोग को एक यूटिलिटी क्लास बना लेना चाहिए। और हम जो हाइबरनेट में बनाएंगे उसका नाम हो जाएगा हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास, और शॉर्ट में लिख देंगे उसी को क्या, हाइबरनेट यूटिल। ये ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल, आखिर हाइबरनेट में क्यों जरूरी पड़ी, व्हाई वी नीड हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास। ओके, व्हाई वी नीड हाइबरनेट, आखिर क्या ही जरूरत था भाई, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी नीड टू राइट हाइबरनेट यूटिल क्लास। देखिए हाइबरनेट यूटिल क्लास को हमको इसलिए लिखना चाहिए, व्हाई वी नीड टू राइट हाइबरनेट यूटिल क्लास, इसका भी आंसर है हमारे पास। देखिए जब आप कन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप सेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ध्यान रखिए सेशन का ऑब्जेक्ट हर एक परसिस्टेंस लॉजिक पर आपको चाहिए। जब भी आप एक नया परसिस्टेंस लॉजिक करेंगे फिर से आपको सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब एक रिकॉर्ड अगर आपको डेटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है, जैसे राहुल का डेटा अगर डेटाबेस में सेव करवाना है तो वहाँ पर आपको सेशन का ऑब्जेक्ट एक बार चाहिए होगा जरूर। अब अगर अंकित का रिकॉर्ड भी आपको डेटाबेस में सेव करवाना है, अंकित का ऑब्जेक्ट भी आपको हाइबरनेट मैपिंग मतलब हाइबरनेट को देना है और उसको सेव करवाना है उस रिकॉर्ड को, तो अगेन आपको एक बार फिर से सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो आपको मल्टीपल टाइम्स सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल टाइम सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, ठीक है, ये बार बार आपको सेशन का ऑब्जेक्ट ना
ऐसा क्रिएट करना पड़े, बार बार एक ही चीज़ को बॉयलर कॉमन रिपीटिंग कोड, कॉमन रिपीटिंग कोड आर नोन एज बॉयलर प्लेट कोड, तो वो जो बॉयलर प्लेट कोड है वैसा आपको बार बार ना करना पड़े, इसीलिए हम बनाएंगे हाइबरनेट यूटिल क्लास। ठीक है, तो वही है यहाँ पर कि इंस्टीड ऑफ राइटिंग द लॉजिक लॉजिक टू क्रिएट कन्फिग्रेशन, इंस्टीड ऑफ राइटिंग द लॉजिक्स टू क्रिएट कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन क्लास ऑब्जेक्ट, कन्फिग्रेशन क्लास होता है, कन्फिग्रेशन क्लास ऑब्जेक्ट, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट एंड सेशन ऑब्जेक्ट इन एवरी क्लाइंट ऐप। क्लाइंट ऐप मीन्स मेन क्लास वो जो था ना, जहाँ से क्लाइंट इंटरेक्ट करना शुरू करेगा, तो वो क्लाइंट क्लास या क्लाइंट ऐप हो जाएगा। ठीक है, क्लाइंट क्लास या क्लाइंट ऐप या मेन क्लास जिसको आप बोलते हैं, सिंपल, जहाँ पर मेन मेथड हो, जहाँ से कोड चल रहा होता है। ठीक है, तो वो क्लाइंट ऐप हो जाएगा। ठीक है, या मेन ऐप, तो आप जो भी उसको बोलें। सेशन ऑब्जेक्ट इन क्लाइंट ऐप, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इन एवरी डाओ क्लास ऑब्जेक्ट, और इन एवरी और एवरी डाओ क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हो गया, सेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, या डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जहां पर आप वो परसिस्टेंस लॉजिक का कोड लिखेंगे एक अलग क्लास में, अगर वहां से आप कुछ काम कर रहे हैं तो बार बार आपको अगर एक ही चीज़ को करना पड़े तो डैट्स नॉट फेयर, राइट। और एवरी डाओ क्लास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ राइटिंग द लॉजिक्स to create this class object, we should write the logic to create these objects in a single class that is known as utility class. In Hibernate this utility class is known as Hibernate utility class. Simple है, this class is known as Hibernate utility class. ठीक है, तो ये जो object बनाने का जो logic होगा, हम लोग एक Hibernate utility class में लिखेंगे, एक class बना देंगे and Hibernate utility class बना देंगे। ठीक है, simple सा नाम लेकर के, आराम से Hibernate util.java करके, ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए, इस हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास में हम लोग कैसे लिख रहे होंगे और कैसे हम लोग काम कर रहे होंगे वो भी हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट और कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट कितना लेना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जब काम करेंगे, जब यूज कर रहे होंगे, तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हमें बनाना होगा और कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इन हाइबरनेट यूटिल क्लास आपको सेशन का ऑब्जेक्ट जो होगा वी टेक, ओके, ये ध्यान रखिएगा, हमें चाहिए वी टेक, हम क्या करते हैं, वी टेक वन सेशन फैक्ट्री एंड वन कॉन्फ़िगरेशन क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन पर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर इन द इंटायर एप्लीकेशन। देखिए, ध्यान से समझिए, हम मान लीजिए मैं एक यूज कर रहा हूँ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, माई सीक्वल का यूज कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ माई सीक्वल का एक बार कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बस उतना ही, आपके पूरे एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशन एक बार होगा और सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट भी बस एक बार बनेगा। ध्यान से समझिएगा, एक बार ऑब्जेक्ट बनेगा और एक बार ही सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन पर डेटाबेस सॉफ्टवेयर इन द इंटायर एप्लीकेशन। अगर आप MongoDB भी यूज कर रहे हैं तो एक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट MongoDB के लिए, एक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट MySQL के लिए, ठीक है, ऐसे करके यूज होगा, और एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट, सेम उसी तरीके से एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट MongoDB के लिए, एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा सेशन फैक्ट्री के लिए, ठीक है, मतलब MongoDB का, और उस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा, मतलब एक एक करके, एक सेशन फैक्ट्री,
एक डेटाबेस के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन, एक डेटाबेस के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सेशन का ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, वी टेक वन सेशन ऑब्जेक्ट एज पर वन ईच डेटाबेस परसिस्टेंस ऑपरेशन, वन ईच परसिस्टेंस ऑपरेशन लिख देता हूँ, परसिस्टेंस और रिलेटेड परसिस्टेंस ऑपरेशन। सेशन का ऑब्जेक्ट आपको फिर से ध्यान रखिएगा, सेशन का जो ऑब्जेक्ट होगा, सेशन का ऑब्जेक्ट एक परसिस्टेंस ऑपरेशन के लिए एक लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको सेव करना है तो एक बार सेशन का ऑब्जेक्ट, डिलीट करना है तो एक और बार, अगर आपको फिर से उसमें अपडेट करना है तो एक और बार, ठीक है। तो मतलब तीन परसिस्टेंस ऑपरेशन में परफॉर्म करवाऊंगा तो तीन सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, चार परसिस्टेंस मतलब परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा तो चार चाहिए होगा। और जैसे रिलेटेड परसिस्टेंस ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ ना, ये जो रिलेटेड परसिस्टेंस ऑपरेशन है उसका मतलब ध्यान से समझिएगा, ये जो रिलेटेड है इसका मतलब हुआ कि अगर कोई, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके समझाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि यूज केस आपका बैंक है, एग्जाम्पल अगर आप बैंक से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज केस मनी विथड्रॉ, ठीक है, मनी विथड्रॉ और ट्रांसफर, मैं फंड्स ट्रांसफर में लिख देता हूँ, सिंपल फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम राम अकाउंट, फ्रॉम ए अकाउंट टू बीज अकाउंट, बी अकाउंट। ध्यान रखिएगा कि जो यूज केस है रिलेटेड परसिस्टेंस ऑपरेशन का क्या हुआ, इसका मतलब मान लीजिए आप पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, अगर यूजर जो है, अगर यूजर ए है और ए 5,000 रुपया भेजा किसको, बी को, तो ए के जितने भी पहले बैलेंस होगा उसमें से 5,000 रुपये कटेंगे, मतलब अपडेट होगा ना ए, ठीक है, वहाँ से माइनस एक परसिस्टेंस ऑपरेशन वहाँ से कटा पहले, तो एक सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा पहले पैसे को कटवाने के लिए, पहले डेबिट के लिए, ठीक है, पहले डेबिट के लिए एक परसिस्टेंस ऑपरेशन। दूसरा, आपको बी के पैसों को अपडेट करना है, जो बी अकाउंट है, जो बी का अकाउंट है, जो बी यूजर है, राम है मान लीजिए, ए जो है श्याम है, तो राम के अकाउंट, मतलब जो बी का अकाउंट है जहां पैसे जाएंगे वहां भी तो अपडेट होना चाहिए, तो वो भी एक परसिस्टेंस ऑपरेशन हुआ अलग, तो उस परसिस्टेंस ऑपरेशन में भी आपको एक अगेन सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो इसी को बोलते हैं रिलेटेड परसिस्टेंस ऑपरेशन, जो आपस में रिलेटेड रहे, जब दो या दो से अधिक अगर परसिस्टेंस ऑपरेशन आपस में रिलेटेड रहेगा तो उसी को बोल देते हैं हम लोग रिलेटेड परसिस्टेंस ऑपरेशन। तो चाहे एक ही परसिस्टेंस ऑपरेशन रहे या रिलेटेड परसिस्टेंस ऑपरेशन रहे, आपको हर एक सिंगल 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 परसिस्टेंस ऑपरेशन के लिए एक सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जैसे हाइबरनेट यूटिल क्लास तो एक क्लास है, डॉट जावा करके हम एक क्लास बनाएंगे, इसका लॉजिक कहाँ लिखेंगे जरा ध्यान से समझिए, कौन सा ब्लॉक में क्या मेथड बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, कुछ ऐसा दिमाग लगाइए। तो देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पूरे एप्लीकेशन में एक बार चाहिए, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पूरे एप्लीकेशन में एक बार चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट पूरे एप्लीकेशन में एक बार ही चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट भी पूरे एप्लीकेशन में आपको एक ही बार चाहिए। तो ऐसा क्या है जो हमें बिना मेहनत के ये काम करवा दे, तो याद करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको पता चलेगा, आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ लिखेंगे वो कोड, स्टैटिक ब्लॉक में लिख देंगे, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक में। क्यों लिखेंगे स्टैटिक ब्लॉक में, आप खुद सब समझिए कि जैसे ही हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास का लोडिंग मेमोरी में होगा वैसे ही स्टैटिक क्लास की कॉलिंग हो जाएगी, तो हमें हाइबरनेट यूटिल क्लास से
कहना ही क्या है, हमें ये कहना है हाइबरनेट यूटिल क्लास से, अरे हेल्पर क्लास जरा मेरी हेल्प करो कॉन्फ़िगरेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने में और सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को बनाने में। तो हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास आपका हेल्प करेगा, आपका मदद करेगा, इसीलिए तो यूटिलिटी क्लास को हेल्पर क्लास बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक ही बार चाहिए तो हमने कहा कि भाई सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने का कोड, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाने का कोड एक काम करो स्टैटिक ब्लॉक में लिख दो। स्टैटिक ब्लॉक में क्यों लिख दो, जैसे ही हाइबरनेट की लोडिंग होएगी वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक रन करेगा, क्लास लोडिंग टाइम पर स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट को जगह मेमोरी में मिलती है, एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टैटिक ब्लॉक। कब, जैसे ही क्लास लोडिंग हो जाएगी, और स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होता ही है, तो एग्जीक्यूट हुआ तो जो कोड उसमें लिखा था वो चल गया, तो स्टैटिक ब्लॉक में कोड लिख देंगे कि भाई कॉन्फ़िगरेशन हो जाओ, भाई सेशन फैक्ट्री हो जाओ, ऑब्जेक्ट बन जाओ, वो दोनों ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन सेशन का ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें सेशन का ऑब्जेक्ट हमें जरूरत पड़ने पर, जब जरूरत हमें पड़ेगा तभी बस हमें यूज करना है सेशन का ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं चेक करना है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पहले, डेटाबेस से कनेक्शन तो पहले होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो वहाँ पर हमें स्टैटिक ब्लॉक कर देंगे। आप देखिए इसको जरा ध्यान से समझिए, ये वाला समझिए कि भाई ये जो हमारा होगा ये सेशन ऑब्जेक्ट, सेशन का ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे, सेशन का ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ बनाएंगे, कहाँ लिखेंगे सेशन का ऑब्जेक्ट बनाने का कोड। तो सेशन का ऑब्जेक्ट बनाने का कोड पहली बात स्टैटिक ब्लॉक में तो लिखेंगे नहीं, तो कहाँ लिख देंगे। तो हम लोग जरा सोचिए सेशन को आराम से एक स्टैटिक मेथड में लिख देंगे, है ना, क्योंकि स्टैटिक मेथड बिना हमें हाइबरनेट का यूटिल, देखिए हम हाइबरनेट क्लास का प्रयोग कर रहे हैं क्या हम दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अगर मैं एक सेशन का ऑब्जेक्ट बनाता हूं जो कि नॉन स्टैटिक है, अगर नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट सॉरी नॉन स्टैटिक मेथड बना करके, ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाता हूं और उस नॉन स्टैटिक मेथड में इस सेशन का ऑब्जेक्ट बनने का कोड लिख देता हूं, मैंने क्या किया, एक नॉन स्टैटिक मेथड लिया, उसमें मैंने कोड लिखा कि सेशन का ऑब्जेक्ट रेडी हो जाओ। आप जरा बताइए क्या वो नॉन स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो सकता है, नहीं। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसका, जिस क्लास में वो है, तो कौन सा क्लास में कोड है सेशन का ऑब्जेक्ट का बनाने का, तो हाइबरनेट यूटिल क्लास में। तो मुझे दोबारा से हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास के ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंसी मिल गई, मुझे तो डिपेंडेंट रहना नहीं है फिर से, मैं नहीं चाहता हूँ बार बार मैं ऑब्जेक्ट ही बनाता फिरूँ। तो हाइबरनेट यूटिल क्लास में मैं लूँगा एक नॉन स्टैटिक मेथड, मैं क्या लूँगा, सॉरी नॉन स्टैटिक मेथड नहीं लूँगा, थोड़ा फ्लो में निकल गया, मैं लूँगा एक स्टैटिक मेथड, और उस स्टैटिक मेथड में क्या लिख दूंगा, सेशन का ऑब्जेक्ट बनाने का कोड। ठीक है, सेशन का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, उसका हम लोग कोड लिख लेंगे और जब भी चाहिए होगा हम लोग यूज कर लेंगे, तो सिंपल तो है। तो ये वाला सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ लिख रहे होंगे, स्टैटिक ब्लॉक में। अब ध्यान में आया आपको, स्टैटिक ब्लॉक में, ओके। और ये जो स्टैटिक ब्लॉक में लिखेंगे और ये सेशन का जो कोड हमें लिखना होगा हम कहाँ पर लिखेंगे, स्टैटिक मेथड में, स्टैटिक मेथड में। उसी तरीके से अब जब चालू होगा, जैसे हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन चालू हुआ, आपका सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चालू हुआ, फिर आपका सेशन का ऑब्जेक्ट चालू हुआ, तो इनको क्लोज भी करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, आपको सेशन फैक्ट्री और सेशन का ऑब्जेक्ट तो एटलीस्ट क्लोज करना पड़ेगा खुद से, तो वो अच्छा प्रैक्टिस रहता है अगर आप कर देंगे तो क्लोज करने का लॉजिक टू क्लोज द कोड, ओके, लाइक क्लोज द सेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो लॉजिक टू क्लोज सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट एंड सेशन ऑब्जेक्ट, ओके, ये हम लोग कहाँ लिखेंगे। सो सेशन लॉजिक, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट और सेशन का ऑब्जेक्ट को क्लोज करने का हम लोग क्या लिखेंगे, इन सेपरेट स्टैटिक मेथड में, एक सेपरेट स्टैटिक मेथड में हम लोग लिख लेंगे। सिंपल सी चीज़ है भाई, इन सेपरेट स्टैटिक मेथड, इसका लॉजिक हम लोग कहाँ लिखेंगे, सेपरेट स्टैटिक मेथड में। ये ध्यान देने वाली बात है, आप समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास बनाएंगे। अब
देखिए हाइबरनेट यूटिलिटी हम लोग एक क्लास ही क्यों लेंगे, क्या हम कोई इंटरफेस नहीं ले सकते? नहीं, इंटरफेस लिख के लिखेंगे कैसे लिखेंगे इंटरफेस में, क्या भी क्या आप इंटरफेस में स्टैटिक जो मेथड है वो, जैसे स्टैटिक मेथड तो फिर भी आप ले सकते हैं, क्या स्टैटिक ब्लॉक आप लिख सकते हैं? नहीं, स्टैटिक ब्लॉक का सपोर्ट होता है क्या इंटरफेस में? मुझे बताइए क्या स्टैटिक ब्लॉक का सपोर्ट होता है? ठीक है, जावा 8 के बाद से, मतलब जावा 8 में आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेस में स्टैटिक मेथड तो लिख सकते हैं, ले सकते हैं वहाँ पर, लेकिन क्या आप ब्लॉक ले सकते हैं? नहीं, इंटरफेस में कोई ब्लॉक हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू टेक यूटिलिटी क्लास इन वन क्लास ओनली, नॉट इन इंटरफेस टाइप। ओके, आप देखिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और यूटिलिटी क्लास का पहले से कुछ एग्जाम्पल है। ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स फॉर यूटिलिटी क्लासेस। देखिए ऑलरेडी जावा वालों ने हमें कुछ यूटिलिटी क्लासेस दिया है, जिसमें से एक यूटिलिटी क्लास है कलेक्शंस, याद है आपको, जब आप कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उसमें एक कलेक्शंस नाम का क्लास है, ठीक है, या एरेज नाम का एक क्लास है। जी हाँ, एरे नहीं, एरे तो एक अलग कॉन्सेप्ट ही है, एरेज नाम का एक क्लास है, ठीक है, यहाँ पर, और जो हम बनाएंगे वो तो हाइबरनेट यूटिल हो ही जाएगा। हमने कभी कभी ज़रूरत पड़ता है आयो यूटिल का, तो जो कलेक्शन है वो दिया गया है, एरेज दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। हम कभी कभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बीन यूटिल्स का मदद लेते हैं, ठीक है, बीन यूटिलिटी क्लासेस का मदद लेते हैं। इस तरीके से हम लोग कभी ज़रूरत पड़ने पर एक स्ट्रिंग यूटिल्स का भी मदद लेंगे, हम स्ट्रिंग यूटिलिटी क्लासेस लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात आई थिंक नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आपको समझ में इतना आना चाहिए कि भाई ये हमारा एग्जाम्पल है, प्लस में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, अपना बनाया हुआ हाइबरनेट यूटिल, ठीक है। तो कलेक्शंस डॉट जावा, एरेज डॉट जावा, ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके यूटिलिटी क्लासेज के, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक नोट, वी कैनॉट टेक दिस हाइबरनेट यूटिल क्लास एज इंटरफेस, ओके, एज इंटरफेस, और we cannot take interface for our hibernate util class because interface, मैं जावा 8 और जावा 8 से ऊपर वाले कुछ चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अभी जावा 8 में मान लेते हैं कि अभी तो यहाँ पे आपका है नहीं, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक में तो होता है नहीं, ठीक है, तो मतलब जावा 8 इंटरफेस डज नॉट सपोर्ट स्टैटिक ब्लॉक। ओके, स्टैटिक ब्लॉक तो सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो हमें तो कोड स्टैटिक ब्लॉक में ही लिखना है, राइट। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे, आई थिंक यहाँ पर हम समझ चुके हैं। चलिए, तो इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अच्छा, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइए कि सेशन फैक्ट्री, तो ये भी तो फैक्ट्री है, तो ये क्या आपको आपको कुछ मतलब, ये भी तो आपको हेल्प ही कर रहा है सेशन फैक्ट्री, मतलब ऑब्जेक्ट देने में दूसरों का, तो ऐसा मत समझिए। देखिए सेशन फैक्ट्री से क्या होता है ना, वो डिफरेंट फैक्ट्री मेथड जो है आपको, वो मतलब एक ही क्लास होता है वहाँ पर, फैक्ट्री मेथड टोटली डिफरेंट होता है यार, फैक्ट्री मेथड जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। कि फैक्ट्री क्लास आपको क्या रिटर्न करके देता है, सेवरल रिलेटेड क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब रिलेटेड क्लास, दो तीन क्लास जो रिलेट होगा उसको वो फैक्ट्री क्लास आपको देगा, बट आपको यूटिलिटी क्लास क्या देगा, डिफरेंट मेथड देता है, इसलिए ये दोनों अलग हैं, वो ऐसा मत सोचिएगा, कभी कंफ्यूज हम लोग नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। चलिए तो हम चलिए यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल कर लेते हैं यहाँ से। तो मैंने खोल लिया ऑलरेडी अपना वर्क स्पेस, और मैं काम करूँगा, देखिए मेरे पास जो है डीप वीवर होगा, एक डेटाबेस के लिए टूल जो मैं ऑलरेडी इस कोर्स में अब तक प्रयोग करते आया हूँ। एंड यहाँ से हम लोग चलेंगे फाइल न्यू, और मैं बनाऊँगा एक ग्रैडल का प्रोजेक्ट, अदर
मैं चूज कर लूँगा जल्दी से यहाँ पर ग्रैडल प्रोजेक्ट करूँगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक प्रोजेक्ट का नाम दूँगा प्रोज सिक्स हाइबरनेट यूटिल। ओके प्रोज सिक्स हाइबरनेट यूटिल सेव करूँगा। ओवरराइड वर्कस्पेस सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा। मैं 6.4 वर्सन में जाना चाहूँगा, आप कोई भी वर्सन ले सकते हैं बट थोड़ा मैं फैमिलियर हूँ इसके साथ तो ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा चीज़ है, मतलब अगर आप अपडेट करेंगे कुछ भी तो डिपेंडेंसी डायरेक्टली वो ले लेगा, नेट कनेक्ट होना चाहिए, बस नेक्स्ट कर दिया है। ये तब तक होता है जब तक ये मतलब अभी कन्फिगर हो रहा है प्रोजेक्ट, तो तब तक हम लोग आते हैं यहाँ गूगल में और लिखते हैं MVN रिपोजिटरी, क्योंकि हमें चाहिए हाइबरनेट जो डिपेंडेंसी है वो लगाना पड़ेगा। तो MVN रिपोजिटरी में चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं कि हाइबरनेट कोर रिलोकेशन, हम ये सर्च कर लेंगे हाइबरनेट कोर रिलोकेशन, सर्च करिए हाइबरनेट कोर रिलोकेशन में आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर 6 है, मैं थोड़ा सा 5.6.12 या 5.6.10 इस ये वाला मैं 5.6.10 में ये मैं यूज करना चाहूँगा। मेवन है, मैं यूज कर रहा हूँ ग्रैडल, तो मैं ग्रैडल में आ जाऊँगा, कॉपी कर लूँगा और कॉपी ऑलरेडी हो गया है, इसको पहले फिनिश करते हैं। और कॉपी तो हो गया हमारा, डिपेंडेंसी कॉपी हो ही गया है, तो मैं चला जाऊँगा इसमें, ऐसे क्लिक करूँगा, ये देखिए हमारा, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आया है, तो मैं कर लूँगा डिलीट। उसके बाद मैं इस टेस्ट को भी कर लूँगा डिलीट और मैं आ जाऊँगा बिल्ड डॉट ग्रैडल में। इस बिल्ड डॉट ग्रैडल में आपको पता है डिपेंडेंसी कहाँ लगाते हैं, हम लगाते हैं इस डिपेंडेंसी सेक्शन में, इसको रिमूव कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। इस जे सेंटर को जे सेंटर भी रहने दे सकते हैं या मेवन सेंट्रल भी आप बना सकते हैं। और एक और डिपेंडेंसी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं प्रयोग कर रहा हूँ पोस्टग्रेस इक्वल डेटाबेस, ध्यान रखिएगा मैं पोस्टग्रेस इक्वल का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मुझे पोस्टग्रेस इक्वल का JDBC ड्राइवर चाहिए होगा, यही कनेक्शन बना के देगा ना आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर से। सर्च कर लूँगा पोस्टग्रेस इक्वल JDBC ड्राइवर और ये क्लिक कर लिया मैंने। क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा लेटेस्ट सा लॉन्च हो चुका है, 42.5 में आ जाऊँगा, यहाँ से ग्रैडल इसको भी कॉपी कर लूँगा, यहाँ आ जाऊँगा और उसके बाद इस डिपेंडेंसी में फिर से पेस्ट कर दूँगा और इसको कंट्रोल एस प्रेस कर दूँगा। सिंपली मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल एस और प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में जाऊँगा, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा हमारा, सब इंजेक्ट हो गया होगा। ये देखिए ये हाइबरनेट की डिपेंडेंसीज और ये पोस्टग्रेस इक्वल JDBC ड्राइवर, तो हमारा काम तो हो गया। अब बात है कि हमें कैसे हम टेस्ट करेंगे, तो सिंपल मैं एक कोड लिखूँगा और वो कोड इसलिए लिखूंगा, पहले इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। हाइबरनेट ट्यूटोरियल कोडर एक संकेत कनेक्शंस HB डेमो डेटाबेसेस, यहाँ पर हमारा स्कीमा पब्लिक टेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर अगर हम आएँ तो राइट क्लिक करके करेंगे व्यू टेबल, तो ये टेबल हमें दिख रहा है, देखिए ठीक है ये टेबल हमें दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है ये टेबल हमें दिख रहा है। तो मैं कोड लिखना चाहता हूँ इसमें रिकॉर्ड में इंसर्ट करने का, मैं कुछ इंसर्ट करने का कोड यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लिख रहे होंगे, पहले हमें चाहिए होगा दो तीन चीज़ें चाहिए होगा, कि पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो हमें चाहिए होगा हाइबरनेट मैपिंग फाइल, पहले एंटिटी क्लास चाहिए होगा, तो ऑलरेडी कहीं पे बना हुआ होगा है ना, जैसे सेव ऑब्जेक्ट है या गेट मेथड है, तो यहाँ पर एंटिटी क्लास बना हुआ होगा, तो कोई किसी पर भी हम लोग क्लिक कर लेते हैं, जैसे गेट मेथड वाले पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से गेट मेथड पर क्लिक किया और जस्ट अ सेकेंड, ये इसकी प्रोजेक्ट 3 गेट मेथड क्लिक, ये ग्रैडल, वन सेकेंड इसको क्लोज करिए और इस LIB में आइए, यहाँ पे होगा ओके एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी है यहाँ पे, ओके यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट टेबल भी है क्या हमारा, जरा हम चेक कर लेते हैं, अगर स्टूडेंट टेबल होगा तो हम स्टूडेंट टेबल में ही यूज कर लेंगे, पब्लिक टेबल एक स्टूडेंट टेबल भी है, चलिए यहाँ पर स्टूडेंट को ही जोड़ते हैं, ठीक है इस स्टूडेंट में ही यूज कर लेते हैं, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ से, मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा स्टूडेंट है, जी वेरी गुड, मैं इस स्टूडेंट एंटिटी को राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा और एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पैकेज को ही कॉपी कर लेता हूँ, जी मैंने पैकेज कॉपी कर लिया और अपने हाइबरनेट यूटिल में, जस्ट टाइम बचाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ,
बाकी आप समझ तो गए होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर रखा है, एंटिटी क्लास क्यों कैसे कब बनाते हैं सब। अगर आपने कोर्स को पहले से फॉलो नहीं किया तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, आप कोर्स को पहले से फॉलो करें, काफ़ी कुछ सीखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल प्रो लेवल वाला कोर्स है, आप मजाक में ले लेते हैं, बताइए, बुरा लग जाता है दिल पर भाई। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एंटिटी क्लास हमने लिया, ठीक है, एंटिटी क्लास हमारा ये हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा एंटिटी क्लास हो गया। तो अब हमें चाहिए होगा ज़्यादा कुछ नहीं, एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो कॉपी कर लेंगे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, मेन रिसोर्सेज में आकर राइट क्लिक करके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, तो ये हमने कर दिया पेस्ट। अब हमें चाहिए होगा एक टेस्ट क्लास, ठीक है, ये हमें चाहिए होगा टेस्ट क्लास, ओके कोई बात नहीं। चलिए ये सब हम क्लोज करते हैं, ये हमारा है प्रोजेक्ट 6, ओके। चलिए तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसमें राइट क्लिक करेंगे न्यू और एक बनाएंगे पैकेज, और पैकेज का नाम देंगे कॉम डॉट, भाई कोडर एक्स अंकित है, जी हाँ कोडर एक्स अंकित डॉट यूटिलिटी, यूटिल क्लास, यूटिल पैकेज। इस पैकेज के अंदर मैं बनाऊंगा एक क्लास जिसका नाम होगा हाइबरनेट यूटिल, गुड, वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। अब राइट क्लिक करता हूँ, न्यू एक बनाता हूँ पैकेज कॉम डॉट कोडर एक संकित डॉट टेस्ट, जहाँ से हमारा टेस्ट करने का होगा, राइट क्लिक न्यू क्लास बना लूँगा, लिख दूँगा टेस्ट या हाइबरनेट यूटिल टेस्ट, इसका टेस्टिंग करेंगे यहाँ से, ये हमारा क्लाइंट टाइप हो जाएगा, ये हमारा यूटिलिटी क्लास है। जी हाँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझने वाली बात है, अब अगर ये हमारा यूटिलिटी क्लास है तो हमें क्या क्या करना है, हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास का क्या क्या काम है, तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट करवाना, ठीक है, दूसरा क्या काम है हमारा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो पहले ये दोनों काम निपटाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, तो हमें कहाँ लिखना था, स्टैटिक ब्लॉक में, तो स्टैटिक ब्लॉक बना दीजिए, ये लीजिए हमने बना दिया भैया स्टैटिक ब्लॉक, गुड, नॉट अ प्रॉब्लम हियर। नाउ कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इट्स सो सिंपल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमने कहा भाई कॉन्फ़िगरेशन भैया आ जाइए, ठीक है, और कंट्रोल स्पेस, ये बार बार आ जाता है यार, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे org.configuration, कहेंगे cfg इक्वल टू नल, ठीक है, क्यों नल, अभी हमने नल लिया है, बस एक वेरिएबल नल ले लिया ताकि हमें यूज हो जाए। अब मैं इसको करूँगा ट्राई कैच में, देखिए ट्राई कैच में इसलिए लिखूंगा क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक में हम एक कुछ ऐसे लगा थ्रोज कीवर्ड का प्रयोग कर नहीं सकते हैं किसी एक्सेप्शन को थ्रो करवाने के लिए। तो स्टैटिक ब्लॉक जो है हमारा, ध्यान समझिए मेरी बात को, जो स्टैटिक ब्लॉक डज नॉट प्रोपागेट द एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन को आगे बढ़ाएगा ही नहीं, जबकि कॉन्फ़िगरेशन क्लास आपको, जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये आपको क्या देगा, ये हो सकता है आपको एक एक्सेप्शन दे दे कि भाई कुछ गलत हो गया है आपके XML फाइल में, हमें डिटेल नहीं मिली है अच्छे से, आपका हाइबर लाइक आपका पासवर्ड गलत है डेटाबेस का, ये सब कुछ कुछ भी एक्सेप्शन दे सकता है उससे रिलेटेड अगर नहीं बना तो। इसलिए मैं कहूँगा कि भाई एक आप ट्राई कैच में बनाइए, और अगर एक्सेप्शन को हम प्रोपागेट करवा सकते थे तो ज़रूरी हम प्रोपागेट करवाते थ्रोज करके, बट थ्रोज कीवर्ड यहाँ तो है नहीं, और कोई बात नहीं, जब है ही नहीं तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन टू यूज़ देम। तो हमने कहा कि भैया एक काम करिए कॉन्फ़िगरेशन भैया, जरा एक नल वैल्यू में चले जाइए, उसके बाद क्या कहिए कि cfg इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन लीजिए, आपके सामने हमने ऑब्जेक्ट दिया बना, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर, अब जब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने इसमें अगर मैं कुछ पास नहीं करूं, ठीक है, इफ़ मैं कोई भी XML फाइल यहां पर लोकेशन और उसका नेम पास ना करूं, तो ये डायरेक्टली कहां जाएगा, तो ये डायरेक्टली जाएगा हमारे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर और सर्च करेगा कि क्या hibernate.cfg.xml नाम से क्या कोई भी एक मौजूद है आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो जी हाँ मौजूद है, अगर है तो इसको पिक कर लेगा। अगर मैं इस नाम के अलावा hibernate.cfg.xml के अलावा कोई और नाम यहाँ पर, अगर मैं कोई ये नाम चेंज कर देता हूँ, इसके अलावा कुछ भी चेंज कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ठीक है, उसका नाम, समझ रहे हैं, तो ये पास करना पड़ेगा नाम और लोकेशन। अब देखिए लोकेशन भी कैसे ले लेगा, तो कॉन्फ़िगर मेथड पहले कहाँ से पिक करता है, अपने
बिल्ड पाथ से, ठीक है, मतलब अपने सोर्स, अपने जो इसका बिल्ड पाथ होगा ना, इसका जो क्लास पाथ होगा वहाँ से। तो राइट क्लिक करिए प्रोजेक्ट पर और आइए बिल्ड पाथ में और आइए कन्फिगर बिल्ड पाथ में। कन्फिगर बिल्ड पाथ में जब आप सोर्स में जाएंगे तो इसका सोर्स फोल्डर देखिए इसमें क्या क्या अटैच है, टेस्ट डॉट रिसोर्सेज है, टेस्ट स्लैश, उसके बाद यहाँ पर आपका टेस्ट स्लैश जावा है, मेन स्लैश रिसोर्सेज भी अटैच है, तो ये इसके क्लास पाथ में ऑलरेडी डाला हुआ है। इसको करते हैं सॉरी तो इसको कर दिया हमने कैंसल, ठीक है। अब तो इसमें ऑलरेडी अटैच है कौन सा फोल्डर, रिसोर्सेज फोल्डर, कहाँ, इस प्रोजेक्ट के सोर्स फाइल में, इस प्रोजेक्ट के सोर्स फोल्डर में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लास पाथ में ये पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जा करके ये hibernate.cfg को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी XML का फाइल का नाम देना ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नाम बदल दूँ तो देना पड़ेगा, फिर नाम वो खुद से नहीं ऑटोमेटिकली वो उसको ढूंढेगा, अगर नहीं है नाम बदला हुआ है इसका तो कुछ और देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कैच करो किसको, एक्सेप्शन को, तो ये एक्सेप्शन को कैच करेगा, हम कहेंगे ठीक है ज़रा एक्सेप्शन को कैच कर लो भैया, एक्सेप्शन हाइबरनेट एक्सेप्शन हाइबरनेट ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ज़रा प्रिंट करवा दीजिए जो भी गलती जो भी एक्सेप्शन आपको दिख रहा है। अच्छा एक बार और कैच करवा लेते हैं कि अगर वो नहीं मिलता है तो दूसरा एक्सेप्शन आता है तो वो भी एक्सेप्शन हम प्रिंट करवा लेंगे, एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बना दिया, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट तो रेडी कर दिया है ना, इट्स सो सिंपल, यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन का रेडी कर दिया ऑब्जेक्ट। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी ऑब्जेक्ट करने की, अब हमें चाहिए फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, राइट, सो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए, कब, यहीं पे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए होता है सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, राइट, तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सेशन फैक्ट्री, ओके फैक्ट्री इक्वल टू क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई सी एफ जी बिल्ड सेशन फैक्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन भैया सेशन फैक्ट्री बिल्ड कर दीजिए, सेशन फैक्ट्री ये बिल्ड कर देता है, सिंपल सी तो बात है, राइट, इतनी सिंपल सी तो बात है। चलिए जब इतनी सिंपल सी बात है तो सेशन फैक्ट्री का भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब आइए नीचे दिमाग लगाइए, सेशन फैक्ट्री का भी हमारा काम हो गया, अब बचा हुआ है हमारा सेशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमारा सेशन का ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, उसके लिए हमें चाहिए एक मेथड, वो मेथड होगा पब्लिक, पहले तो स्टैटिक, ठीक है, और ये हमें क्या देगा रिटर्न करके, ये देगा हमें एक सेशन रिटर्न करके, तो रिटर्न टाइप कैसा रखेंगे, सेशन रखेंगे, ध्यान रखिए, गेट सेशन लिख देंगे इसका नाम, या क्रिएट सेशन लिख देंगे, या गिव सेशन, वाट एवर जो भी नाम आपको अच्छा लगे लिख दीजिए, गेट सेशन, ठीक है, लेकिन गेट सेशन कब होगा, ये गेट सेशन कब देगा, सेशन के लिए क्या चाहिए, सेशन फैक्ट्री, अब दिमाग खोलिए अपना जरा, अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सेशन का ऑब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए सेशन फैक्ट्री पहले, तो इसके पैरामीटर में मैं पास कर देता हूँ एक, हे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मांगेगा सेशन से गेट मेथड को कॉल करेगा तो पहले इसको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर गेट सेशन, और यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पास मत करिए, एक काम करिए इसको हम यहाँ नहीं पास करेंगे, डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और गेट सेशन है ना, जी बिल्कुल गेट सेशन है, तो गेट सेशन है तो हम कैसे रिटर्न करेंगे सेशन, तो रिटर्न करना हमें फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है जी ऊपर पड़ा हुआ है, पर इसका इस फैक्ट्री वेरिएबल जो है यहाँ पर इसका स्कोप तो बस इसी तक है, ठीक है, इसी तक है, ये जो फैक्ट्री है इसका स्कोप तो बस इसी तक है, तो अब भैया इसके बाहर भी इसका स्कोप होना चाहिए, तो जब बाहर स्कोप होना चाहिए तो मैं क्लास लेवल का वेरिएबल रखूँगा ना, तो मैं ले लेता हूँ प्राइवेट वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, सेशन फैक्ट्री टाइप का वेरिएबल, ठीक है, और लिख देता हूँ फैक्ट्री इक्वल टू नल या कुछ भी रख दीजिए अभी ब्लैंक, ठीक है, और यहाँ से हमें फैक्ट्री वेरिएबल को अपडेट कर दीजिए, तो फैक्ट्री में सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पहुँच गया, इस फैक्ट्री वेरिएबल में सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पहुँच गया, कहाँ, इस लाइन से, अब जब वहाँ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पहुँच गया तो हमें चाहिए क्या, गेट सेशन चाहिए सेशन, तो फैक्ट्री डॉट अगर आप ओपन सेशन करते हैं तो क्या होता है, तो ओपन सेशन हम जैसे ही करते हैं तो सेशन हमारा मिल जाता है, तो इसी को हम क्या कर देंगे रिटर्न, ठीक है, दिमाग खोलिए जरा भैया आप लोग अपना अपना,
ठीक है, रिटर्न हमने कर दिया। ठीक है, अब जब हमने रिटर्न कर दिया तो एक काम करिए, यहाँ पर ईफिल्स का हम लोग सिचुएशन लिख सकते हैं कि इफ़ अगर फैक्ट्री इक्वल नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू नल, अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दीजिए, जैसा हम लोग रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, इफ़ फैक्ट्री ओके इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो ये रिटर्न कर दीजिए, कंट्रोल एक्स दिस वन, एल्स एल्स सिस आउट करवा दीजिए कोच। ठीक है, ये क्या बोल रहा भाई, ये बोल रहा है क्या, अच्छा सेशन को ये, इसको तो रिटर्न करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो इल्स रिटर्न नल करवा देंगे, सिंपल सी चीज़ है, इल्स रिटर्न नल, डायरेक्ट वो नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी देगा और छोड़ दीजिए, यहाँ पे नहीं लिखते हैं कुछ भी। अब ये हो गया हमारा सेशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेशन को क्लोज करने का ऑब्जेक्ट भी हमें लिखना है, क्लोज सेशन ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, तो हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और या वॉइड लिख दीजिए, हाँ ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लोज सेशन। सेशन का ऑब्जेक्ट कैसे क्लोज करेंगे, जब सेशन रहेगा तो वो सेशन हम मांग लेंगे, तो हम सेशन मांगेंगे, यहाँ पर पास कर देते हैं सेशन सेशन। ठीक है, अब ये सेशन हम यहाँ पर पास कर देंगे, और एक एस हटा दीजिए अच्छा लगेगा, एस डॉट, यहाँ पे इफ़ लिख देते हैं, इफ़ अगेन सेशन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल है तो क्या करिए, सो सिंपल सी चीज़ है, इसको हम कर देंगे सेशन डॉट क्लोज सिंपल, एंड यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लोज सेशन फैक्ट्री, थोड़ा ऊपर करिए, स्पेस बनाता हूँ मैं, थोड़ा ऊपर करके यहाँ पर स्पेस बनाते हैं, एंड यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि भैया ओके, यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं इफ़, अच्छा सेशन फैक्ट्री रहेगा तब तो यहाँ पे फिर से सेशन फैक्ट्री मांग लीजिए, सेशन फैक्ट्री फैक्ट्री कहिए कि अगर सेशन फैक्ट्री नल है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, अगर फैक्ट्री हमारा इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है तो सिंपल क्या कर दीजिए, एक लाइन में लिख लेते हैं कि सेशन फैक्ट्री फैक्ट्री को भी कर दीजिए बंद क्लोज। ठीक है, इसको कर लेंगे सेव। ठीक है, तो ये हमारा सेशन फैक्ट्री भी बंद हो गया, क्लोज सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री भी बंद हो गया, सेशन भी बंद हो गया हमारा, सेशन चालू भी हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट भी रेडी है, तो इतना काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब आइए हम लोग मिलते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, क्या कहीं कुछ इशू है देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे, तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगर, ये मैपिंग फाइल है, तो मैपिंग फाइल ऑलरेडी हमारा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर आप डी वीवर में देखेंगे तो ईमेल अंडरस्कोर आईडी, चलिए सही है, यही वाली चीज़ है, कोई यहाँ से दिक्कत नहीं है। अब चलिए आते हैं अपने एंटिटी क्लास में, चलिए ये सब भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, आते हैं टेस्ट क्लास में, और यहाँ से हम लोग करते हैं अपने हाइबरनेट यूटिल क्लास का टेस्ट। सबसे पहले लिखेंगे मेन मेथड, मेन मेथड में लिखेंगे क्या, देखिए मान लीजिए मैं मेरा एक, मतलब मेरा स्टूडेंट या किसी का भी एक स्टूडेंट या कोई भी एक स्टूडेंट है जिसका हमें डिटेल सेव करना है, तो पहले तो हम एंटिटी रेडी करेंगे, तो एंटिटी हमारा क्या होगा, स्टूडेंट एंटिटी, राइट, हम कहेंगे स्टूडेंट एंटिटी, एंटिटी इक्वल टू, या स्टूडेंट लिख देते हैं, एस वन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट एंटिटी। ठीक है, ये लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी, एस वन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंटिटी, एंड हम कर देंगे एस वन डॉट सेट, सब कुछ सेट कर देते हैं, स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट आई डी सेट कर देते हैं 900। ठीक है, एस वन डॉट सेट नेम, नेम में सेट कर देंगे प्रिंस, ओके प्रिंस चार्मिंग, ओके एस वन डॉट सेट ई मेल, यहाँ पे प्रिंस या पी आर आई या पी सिर्फ लिख देते हैं एट द रेट gmail.com, एस वन डॉट
सेट अब हमारा क्या बचा हुआ, कोर्स, कोर्स लिख देते हैं हाइबरनेट विद जेपीए। यस यस यस, ओ हियर इट इज हाइबरनेट बाय कोडरेक्स अंकित, यहाँ पे हाइबरनेट विद जेपीए। चलिए तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, तो हमारा एंटिटी रेडी है। अब देखिए इसको हमें सेव करना है, सेविंग इनटू द डीबी डेटाबेस में सेव करना है। आपको चाहिए होगा कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट, ये सब तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, सब कुछ क्रिएटेड है। आपको सिंपल सा चाहिए किसका ऑब्जेक्ट, सेशन का ऑब्जेक्ट। तो सेशन का ऑब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, आपको सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लिखेंगे सेशन, सेशन इक्वल टू हाइबरनेट यूटिल, ठीक है, हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन, चुपचाप कॉल कर लेंगे जल्दी जल्दी। लीजिए कॉल हो गया हमारा, इतना आसान तो था, सेशन का ऑब्जेक्ट हमारा मिल ही गया, ठीक है। तो जब सेशन का ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्रांजैक्शन भैया आप भी चालू हो जाइए, क्योंकि हमें डेटाबेस में कमिट करवाना ही है। तो ट्रांजैक्शन टी एक्स इक्वल टू हम कर देंगे नल, या नल नहीं करिए, चलिए टी एक्स इक्वल टू हम लिख देते हैं सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन को हमने करवा दिया बिगिन, और हम कर लेंगे यहाँ से ट्राई कैच, या इफ फिल्स लगा सकते हैं या ट्राई कैच भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्राई कैच ही लगाइए, ट्राई करिए कि इफ़ अगर हमारा सेशन नल नहीं है तो, या छोड़िए यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ट्राई कैच लगा देते हैं। क्या करने का, पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई सेशन डॉट सेव करवाइए, सेशन को सेव करवाइए, कौन सा यहाँ पे एंटिटी दीजिए, ये एंटिटी कौन सा हमारा है एस वन, तो एस वन को भैया सेव करने की कोशिश करिए। एंड इफ़ अगर सब कुछ यहाँ तक रेडी होता है, ठीक है, तो जब सब कुछ रेडी होता है तो दिक्कत ही क्या है, है ना, जब सब कुछ रेडी होता है तो करवा दीजिए ट्रांजैक्शन को कमिट, ठीक है, ट्रांजैक्शन को कमिट करवा दीजिए, और कैच कर लीजिए एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हाइबरनेट एक्सेप्शन, ओके हाइबरनेट एक्सेप्शन ई, अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो, या एक्सेप्शन डायरेक्ट लिख देते हैं, सबका बाप है वो एक्सेप्शन क्लास आपका, कोई भी एक्सेप्शन अगर आ जाता है तो प्रिंट स्टैक ट्रेस, पहले तो रोल बैक करवाइए क्वेरी, तो टी एक्स डॉट रोल बैक, रोल बैक मतलब वापस से क्वेरी जो चला है वो वापस से घूम जाएगा, ठीक है। तो जो पैसा आपका फंस जाता है यूपीआई में, सोचिए आपको दोबारा से कैसे मिल जाता है इसी रोल बैक फंक्शनलिटी के कारण। रोल बैक का मतलब जो क्वेरी चली है वो क्वेरी वापस घूम जाएगी। तो हमारा ये हो गया, और यहाँ पे अगर ये हो गया, अगर कमिट हो गया है तो, अगर कमिट हो गया है तो आप सीस आउट करवा दीजिए, अगर अच्छे से कमिट हो ही गया है तो रिकॉर्ड इज सेव्ड इन टू डीबी ऐसे दिखा दीजिए, बस चुपचाप से ये दिखा दीजिए। अब देखिए मेरी बात समझिए, आप बोलेंगे कि हाइबरनेट कहाँ गया और कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कहाँ गया, अरे तो आप बुद्धू हैं, देखिए क्या है यहाँ पर, सेशन का ऑब्जेक्ट जब, देखिए सेशन का ऑब्जेक्ट कहाँ से हम लोग मांग रहे हैं, हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन से, डॉट गेट सेशन कहाँ से आ रहा है, ये है स्टैटिक मेथड, तो गेट सेशन जैसे ही कॉल होगा तो इसको कॉल होने से पहले क्लास की लोडिंग होगी, तो क्लास की लोडिंग होगी मेमोरी में, हाइबरनेट यूटिल क्लास की लोडिंग होगी, और जैसे ही हाइबरनेट यूटिल क्लास की लोडिंग होगी सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, तो स्टैटिक ब्लॉक में जो भी कोड किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट या फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो बनेगा। अब जब वो बन जाएगा तो उसके बाद ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, अब ये कॉल किए तो ये भी हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा और सेशन फैक्ट्री का भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हमने ये मेथड कॉल कर ही दिया है तो सेशन का भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सब कुछ जब बन ही जाएगा तो बात ही क्या है, फिर तो रिकॉर्ड हमारा सेव हो ही जाएगा, और एक्सेप्शन ये सब लिख करके लास्ट में लिख देगा कि भाई रिकॉर्ड इज नॉट सेव्ड, ओके रिकॉर्ड इज नॉट सेव्ड इन टू डीबी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनली ब्लॉक बना लेंगे। फाइनली किस लिए, देखिए फाइनली इसलिए बनाएंगे क्योंकि सब काम करने के बाद आपको बंद भी तो करना है, तो सेशन को हम लोग बंद करेंगे। देखिए कैसे बंद करेंगे सेशन को, यहाँ पर हम क्या बंद कर देंगे, सेशन डॉट क्लोज, अब क्लोज करना नहीं है, अब इस तरीके से हमें क्लोज नहीं करना है, हमें कैसे क्लोज करना है, हाइबरनेट यूटिल, सिर्फ हमें क्या कहना है कि हाइबरनेट भैया डॉट डॉट आप कर लीजिए क्लोज, ठीक है, क्लोज सेशन, ठीक है,
यहाँ पे सेशन पास करना है, तो कौन सा सेशन हम आ रहा है, तो ऊपर में जो हमने सेशन ले रखा है ये वाला सेशन हम पास कर देंगे नीचे में, तो ये सेशन हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब ये हमने पास कर दिया। अब जब ये हमने पास कर दिया तो हमें सेशन फैक्ट्री भी बंद करना होगा, और सेशन फैक्ट्री जो हमने बंद करना है तो हाइबरनेट यूटिल, हाइबरनेट नॉट यूटिल डॉट डॉट क्लोज सेशन फैक्ट्री। देखिए ये हमसे मांग रहा है एक सेशन फैक्ट्री। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के इसको मैंने लिखा था, अब आपका दिमाग थोड़ा खोलिए, फिर से खोलिए, थोड़ा सा दिमाग बंद पड़ जाता है आपका कभी कभी, मैं समझ सकता हूँ, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ बस। चलिए ठीक है, क्लोज सेशन फैक्ट्री जो है यहाँ पे हमसे फैक्ट्री मांग रहा है, तो हमने पास तो फैक्ट्री है नहीं भैया, तो फैक्ट्री तो यूटिल क्लास में है ना, तो जब फैक्ट्री यूटिल क्लास में है तो यहाँ पर कोई भी हमें सेशन फैक्ट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम कोई भी क्लोज सेशन फैक्ट्री में कुछ भी पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर फैक्ट्री डॉट क्लोज कर लेंगे, और फाइनली ब्लॉक में ये अब हमने वहाँ पे जब पास नहीं किया तो ये हमसे मांगेगा भी नहीं अब, और जब ये हमसे नहीं मांगेगा तो हम इसको इरेज कर देंगे, नल को सेव कर लेंगे, एंड फाइनली ब्लॉक फाइनली तो एक बार चलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा डबल कोटेशन छूट रहा है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सब कुछ रेडी है, रेडी रेडी टू टेक ऑफ, राइट क्लिक, रन जावा एप्लीकेशन। देखिए कैसे काम करता है हमारा यूटिलिटी क्लास, आराम से बैठ जाइए प्यार से, और बैठ जाइए बस, आप देखते रहिए। ओ रिकॉर्ड तो सेव हो गया, अच्छा रिकॉर्ड सेव हो गया, चलिए देखते हैं। ओके राइट क्लिक करिए स्टूडेंट पर और करिए रिफ्रेश। देखिए 900 प्रिंस हाइबरनेट विद जेपीए कोर्स बाय कोडर एक संकेत p@gmail.com। वाओ हमारा तो हाइबरनेट यूटिल क्लास जो लिखा हुआ है उसके थ्रू काम हो रहा है, तो यही तो फ़ायदा है हाइबरनेट यूटिल क्लास को लिखने का। क्या बात मेरी समझ में आई, अब आपको कैसे लिखना है देखिए। ठीक है एक बार और करके दिखा दूँ आपको, चलिए एक बार और ही कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा टेस्ट कहाँ गया, हाइबरनेट यूटिल टेस्ट, इस S1 को मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ राहुल r@gmail.com, और ID को मैं सेट कर दे रहा हूँ 9009 दिस टाइम। राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, जावा एप्लीकेशन में रन कर देंगे, एंड यू कैन सी जस्ट वेट कर लेंगे, रिकॉर्ड इज सेव्ड इनटू DB। अगेन चलेंगे हम अपने डी वीवर में, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे एंड देख लेंगे, देखिए आ गया, एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ। तो अब आप समझिए कि ये हाइबरनेट यूटिल जो है हमारा कैसे लिखा है, समझ गए। हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास क्या होता है, हेल्पर क्लास होता है, तो ये हमारा हो गया हाइबरनेट यूटिल। हमने स्टैटिक ब्लॉक ले लिया क्योंकि हम चाहेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बन जाए, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, और सेशन फैक्ट्री का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर हमने सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन गया है, तो सेशन का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलता है, सेशन फैक्ट्री से ही, तो यहाँ सेशन का ऑब्जेक्ट हमने सेशन फैक्ट्री से मांग लिया, और ठीक है फिर उनको क्लोज करने का लॉजिक, उसको क्लोज करने का लॉजिक, फैक्ट्री को क्लोज करने का लॉजिक लिख दिया, और फिर हम गए अपने मेन, यही हमारा क्लाइंट ऐप है भाई, यही यही इसी को हम बोल रहे हैं क्लाइंट ऐप, ये जो मेन क्लास लिखा हुआ है, ठीक है इसी को, ये क्लाइंट ऐप या डाओ क्लास जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें तो काम करने के लिए क्या चाहिए भाई, यूजर को, प्रोग्रामर को काम करने के लिए चाहिए सेशन। तो मैं यूटिलिटी क्लास एक बार लिख दिया, अब बार बार उसका प्रयोग कर लूँगा, सिंपल सी बात है, तो मैंने प्रयोग कर लिया, दैट्स इट, दिस इज द थिंग, बस हमने यूज कर लिया इसको, कोई यूज करके एकदम आराम से प्रयोग करके हमने सब कुछ रेडी कर दिया एंड इट्स फाइन, सो दैट्स द थिंग। इस तरीके से आपको हाइबरनेट यूटिल क्लास समझ में आया होगा, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मुझे एक काम करिए, इसको कॉपी कर लेने दीजिए, इसको कॉपी करके मुझे यहाँ पे ना पेस्ट कर लेने दीजिए, ताकि आपको समझ में आया, या कभी ज़रूरत पड़े तो मे बी आप यहाँ से देख सकते हैं, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये इसका नोट्स का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैं इसको छोटा करता हूँ एंड ये मैंने यहाँ किया पेस्ट, काफ़ी सारा बर कट क्यों जा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए इतना ही काफ़ी हमारा, फाइन। सो हाइबरनेट यूटिल क्लास क्या होता है, हेल्पर क्लास होता है, आपके बॉयलर प्लेट कोड को कम कर देता है, और इस तरीके से हम हाइबरनेट का यूटिल क्लास बना लेते हैं एंड दैट्स इट। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल और बहुत पसंद आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, मैं भी थक चुका हूँ, चलिए आपसे अब लेता हूँ मैं अलविदा फिलहाल इस वीडियो के लिए, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।